वीडियो का थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा है। बिहार सरकार ने दिल्ली, मुंबई आदि महानगरों से अपना काम छोड़कर बिहार लौटने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खबर जारी की है। इन मजदूरों को अब रोजगार के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इन लोगों के रोजगार के लिए इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सरकार इन मजदूरों को कहाँ और कैसे रोजगार देगी, यह जानने से पहले बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात और इसके बारे में ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। आज 23 मई 2020 दोपहर तक कोरोना के 144 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2310 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 61,220 सैंपल की टेस्टिंग हुई है, जिनमें से 2,310 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं 1,440 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। 22 मई को कोरोना के कुल 179 नए मरीजों की पहचान हुई थी। इसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,166 हो गया था। ये मरीज राज्य के 25 जिलों से मिले हैं। इस आंकड़े के बाद बिहार ने पंजाब को पीछे छोड़ते हुए देश के 10 सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में अपना जगह बना लिया है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आप प्लम्बर हों या सिलाई करते हों, कोई मशीन चलाना जानते हों या फिर किसी उद्योग धंधे में काम करते हों, आप किसी काम को करते हैं उसका सर्वेक्षण क्वारंटीन सेंटरों में किया जा रहा है और उसी के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। जो मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं उनके लिए जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार राज्य में बाहर से आए करीब 2,00,000 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनवाएगी। सरकार की कोशिश है कि सभी जिलों एवं खासकर सिवान, गोपालगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में ठहरे मजदूरों का जॉब कार्ड इसी लॉकडाउन के दौरान बन जाए, ताकि लॉकडाउन खत्म होने पर इन लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल पाए। विभाग ने सभी मजदूरों से शारीरिक दूरी के आधार पर काम लेने का फैसला किया है। जॉब कार्ड बनाने का निर्देश जल्द ही सभी DM को भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से मनरेगा फंड की मंजूरी भी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मजदूरों का सर्वाधिक उपयोग जल जीवन व हरियाली अभियान में किया जाएगा। सभी को जॉब कार्ड के तहत मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कल यानी 22 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के विभिन्न जिलों के क्वारंटीन सेंटरों पर प्रवासी मजदूरों से बात की और वे कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, इन सभी बातों को पूछा। साथ ही CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्वारंटीन सेंटरों की रसोई, शौचालय और प्रवासी मजदूरों के कमरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि अब आपको बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं काम दिया जाएगा। अगर आप प्रवासी मजदूरों की किसी शिकायत को जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बात प्रशासन तक और साथ ही सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हमें आपसे सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही अभी के लिए आप इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका कीमती समय देकर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।